आया, तुम खुश हो? और इसी खुशी में मिठाई खा रही हूं, तुम भी खाओ। अपने आने की खुशी में चलो मैं खा लेती हूँ, मेरे अब के घर से जाने की खुशी। मेरे अब को घर से निकाल दिया मेरी वजह से। निकाल दिया, और अच्छा हुआ ना, एक तीर से दो शिकार, मेरे अब से भी जान छूटी और तुम्हें भी अकल आ गई। क्या कह रही थी तुम कि हया तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, और मीरब को सगी बना लिया, उसको अपना राज़े तेल बताने लगी। हालांकि तुम जानती थी कि मैं मुर्तसिम से बचपन से प्यार करती हूं, उसके लिए तार तार हूं। लेकिन फिर आ गई तुम्हारी भाभी मीरब और मैं बन गई बेहया। ये देखो, मुझे अपने आप को गाली दे दी, क्या करूं, इतनी खुशी है, निहाल निहाल हूं मैं। क्या कहते हैं कि खुशी में कोई जान भी ले ले तो दर्द महसूस नहीं होता। जैसे नशे में आपको कोई गोली भी मार दे तो फील ही नहीं होता, ये ऐसा ही है, ये खुशी नशे जैसी तो है। तुम क्यों रो रही हो? अच्छा ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए एक और तोहफा लाई तुम्हारे आने की खुशी में, ये लो, खोलो ना, देखो। अच्छा मैं खोलती हूँ तुम्हारे लिए। तुम मुझे दोस्त नहीं मानती ना, बहन नहीं मानती, मैं तो मानती हूँ, मैं सब करती हूँ तुम्हारे लिए। रो नहीं तुम, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूं कि तुम्हें अब इसकी जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा अब तुम्हें पता है ना कि कल तुम्हारा निकाह है नोरेस के साथ। एक और चीज भूल ही गई, रुको। खुशी में ना फूल भी जाता है बंदा, ये देखो सबसे जरूरी चीज। चाबियां, इसलिए कि तुम दोबारा भाग ना जाओ, माँ बेगम ने दिए हैं, तुम्हारे दरवाजे को ताला लगेगा। और ये कल शाम को ही खुलेगा कमरा। चलती हूँ। दिन हुआ तमाम।
रात हुई शुरू, इसलिए मैं तो जा रही हूं सोने। मुबारक हो बहना। अनिला जल्दी करें भाई, देर हो रही है। जी जी आ रही हूँ, बस हो गया। उफ़, एक तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये भाभी बेगम ने आखिर सुबह ही सुबह निकाह क्यों रख दिया है। अरे भाई, वो परे के शहरों से भी लोग आते हैं ना, फिर उन्होंने वापस भी जाना होता है, इसलिए जल्दी रखा है। तुम्हारी मीरब से बात हुई? आपको पता है वो हम दोनों से कहाँ बात करती है? पता नहीं कब माफ करेगी मुझे। अच्छा, आप ज्यादा ना सोचे ना इस बारे में, नाराजगी ही है, खत्म हो जाएगी थोड़े दिनों में। आपने तो बस मीरब के बारे में सोच सोच कर अपनी सेहत खराब करने की कसम खा रखी है। मुझे तो लगता है ऐसे ही मर जाऊंगा मैं। मीरब पापा कह के नहीं पुकारेगी मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। तुम बात करना ना उससे। हाँ हाँ करूंगी बात उससे, लेकिन आप इस वक्त परेशान ना हो प्लीज। चलें। मेरा बीबी, मेरा बीबी, मेरा बीबी। बेगम साहब, अब वो क्या क्या हुआ बाहर? मेरा बीबी क्या मीरब, क्या हुआ मीरब को? मैंने जब आकर देखा तो मेरा बीबी बेहोश पड़ी थी। इसे अंदर ले जाओ बेटा। चलो उठो बेटा। बताएं कि आप हमारी मरियम के लिए क्या कर सकते हैं, कितना चाहते हैं इनको? हमारे लिए बहुत स्पेशल है मरियम। इतना चाहता हूं कि जान दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। ये तो आखिरी हद है, और इसके बाद तो आपको अपने पेरेंट्स को भेजना पड़ेगा ताकि बात शादी पे खत्म हो। अभी शादी तो आखिरी हद नहीं होगी, मैं तो मरने के बाद भी मरियम को ही चाहूंगा। आई होप अब आपको तसल्ली हो गई होगी कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कौन है नस? हाथ छोड़ो उसका। बीच में मत आओ।
आज के बाद तुम उसका नाम तक नहीं लोगे और ना ही तुम्हारी आंख से उसके नाम का आंसू गिरे। तुम्हारी शादी मौरिस से होगी। मरियम, भागना सही नहीं है, हम कुछ और हल निकाल लेंगे। हाँ, एक और हल है, धंधा लगा के लटक जाती हूँ मैं। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? और तीसरा हल यह है कि नौरे से शादी कर लूं, जो कि मैं किसी कीमत किसी शर्त पे नहीं करूंगी। मरियम, तुम इतना बुरा बुरा क्यों सोच रही हो? मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कुछ कर लूंगी। आप कुछ नहीं कर सकती, मुर्तसिम खान अपना फैसला ले चुका है। अब तुम बिल्कुल मेरी मुट्ठी में हो। अनस नहीं, अनस नहीं, मलिक जुबैर। तुमने नाटक किया मोहब्बत, धोखा दिया मुझे और मैं तुम्हें घर तक ले गई। कितनी बेवकूफ थी मैं। बस बहुत हो गई ये प्यार मोहब्बत, नफरत करता हूं मैं तुमसे। तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे भाई से नफरत करता हूं मैं। ये नाती है मुझे खुद से कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। खानदानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुमने मोहब्बत जैसी बात चीज को इस्तेमाल की। और इसी खुशी में मिठाई खा रही हूँ, तुम भी खाओ अपने आने की खुशी में। चलो मैं खा लेती हूँ मीरब के घर से जाने की खुशी में। मीरब को घर से निकाल दिया मेरी वजह से। निकाल दिया, और अच्छा हुआ ना एक तीर से दो शिकार। तुम्हारा अभी नौरेज से निकाह है, तैयार हो जो मेहमान आने वाले। माँ प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरी तरफ से तुम्हें अब यही मिलेगा, घर से भागने वाली बेवकूफ लड़की। तुमने मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया तो मुझे तुम्हारा ख्याल क्यों होगा? जब तुमने मेरे आंसू का कोई ख्याल नहीं किया तो मैं क्यों करूं? तुमने मेरे दुश्मन को मुझ पर तरजीह दी, मैं तुमसे मां कहने का हक भी छीन लूंगी। बस नौरेज से शादी करके इस घर से जल्दी रवाना हो जाओ, चली जाओ यहां से। और हां, इस थप्पड़ के निशान को मेकअप से मिटा देना, वरना हमारे दिल के दाग तुम्हारे चेहरे पर देखकर जमाना हंसेगा हम पर। अब तो ये रोना जिंदगी भर का है।
ठीक तो है। सही। किससे बात कर रहे हो? मीरब कराची पहुंच गई। तो मुर्तसिम कहाँ है? वो क्यों नहीं आया वापस अब तक? कोई बात कर रहा हूँ मकास। मकास, मेरी बात करो। हाँ वकास। सलाम अलैकुम बाबी बेगम। अपनी बेटी के कारनामे तो सुन लिए होंगे तुमने। बेहतर यह है कि मरियम के निकाह पर तुम मत आना। चली गई ये घर छोड़कर, तुम्हें छोड़कर। बहुत दिल चाहता है मेरा। तो फिर गई क्यों नहीं? मरियम को नहीं छोड़ सकती, मेरा मकसद है। मीरब को मेरी तरफ से थैंक यू कह दे अपना वादा पूरा करने के लिए। तुमसे कहा था कि ऐसा कुछ मत करना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। तुम्हारी मर्जी की आजादी मुबारक। ठीक है मैं बात करता हूं। मैं मालिक, मेहमान आने लगे, निकाह का वक्त हो गया है। किस्मत का खेल भी कितना जालिम है, दो टूट गए हैं और दो जुड़ रहे हैं। अनवर खान से बात हुई थी, माँ बेगम आपको याद कर रही हैं। और जिसे हम याद कर रहे हैं, जो हमारे दिल और दिमाग में है, उसका क्या? चलो फिर बख्तू, दिल के दर्द पे चादर डालकर दुनियादारी निभाते हैं। बाप की गद्दी संभालते हैं, बहन का फर्ज निभाते हैं। मोहब्बत जाए भाड़ में। इजाजत है जी? यस सर। बेटा नौरेस खान, आपका निकाह मरियम के साथ हक मेहर 5,00,000 रुपए के एवज किया जा रहा है, क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। बेटा ये निकाह आपको कबूल है? जी जी कबूल है। ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है।
मेरा बिन्त अनवर खान बहक महर 25 लाख रुपए से कई राजुल वक्त मुर्तसिम खान वल शाह नवाज खान के साथ आपको निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। मेरी भाभी बेगम जो मेरी माँ की जगह थी, जो मेरे आने पे हर वक्त जश्न मनाया करती थी, उन्होंने खुद मुझे अपनी बेटी, मेरी भतीजी, मेरे भाई जैसे यार की बेटी के निकाह पे आने से रोक दिया है। मरियम का निकाह हो गया? हाँ हाँ, और हमसे ताल्लुक खत्म कर लिया है। बताओ मुझे, सच बताओ, जो कुछ भाभी बेगम ने कहा है क्या वो सच है? क्या बताऊं मैं आपको, जैसे कभी कोई झूठ किसी की माल इज्जत और जान बचा लेता है। वैसे कोई सच किसी के किरदार पे कीचड़ उछाल के उसकी धज्जियां बिखेर देता है। वैसे ही सच माँ बेगम ने आपसे कहा है। अगर ऐसी बात है तो तुम अपना सच बताओ। अगर मैं आपको अपना सच बताऊंगी बाबा, तो आपकी अदालत में मेरा सच सच साबित होगा। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या आप बनेंगे मेरे वकील? एक अच्छा वकील होने से पहले तुम्हारा बाप हूं। जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो मुर्तसिम भी बहुत करता है। बड़े दावे किए उसने, लेकिन मुश्किल वक्त में हाथ पकड़ के छोड़ के चला गया मुझे। तुमने काम ही ऐसा किया है। मलिक जुबैर के साथ मरियम को भगाने की साजिश की है तुमने। ये तो अफसोस की बात है, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है।
मीरा तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? वही जो सच है, जो हकीकत है। बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ था? मरियम ने मुझसे वादा किया था कि निकाह के दूसरे दिन ही वो वापस आएगी, अपनी मोहब्बत के लिए सबसे माफी मांगेगी, सबको मनाएगी, लेकिन वो गलती मेरी है कि मैंने उसका साथ दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मलिक जुबैर है। मुझे अगर जरा सा भी आइडिया होता कि वो मलिक जुबैर है तो मैं उसको क्यों भेजती? सुना, सुना आपने? अब करें भाभी बेगम को फोन, बताएं उन्हें कि अपनी बेटी की गलती की सजा मेरी बेटी को तो ना दें। उसका तो निकाह करवा दिया, शादी कर रही हैं उसकी, और मेरी मेरी बच्ची, मीरा का घर उजाड़ कर वो अपनी अपनी बेटी की गलती नहीं सुधार सकती। इतना कुछ हो गया। जो भी हुआ उसमें उसमें मीरा का कोई कसूर नहीं था। सुन लिया ना आपने? अरे उनकी तो बच्ची खुद भागने को तैयार बैठी थी। आप बस भाभी बेगम को फोन करें, अभी फोन करें उन्हें। नहीं, नहीं करूंगा मैं फोन। खुद जाऊंगा मैं पूछने के लिए। सामने बात हो तो अच्छा है। तो मेरा का ख्याल रखना। मैं अभी जिंदा हूं और तुम्हारे ही लिए जिंदा हूं बेटा। क्या जो आसानी से मिल जाए? मोहब्बत? नहीं समझे? जो मोहब्बत इजीली अवेलेबल होती है ना, वो सच्ची नहीं लगती। सच्ची मोहब्बत के लिए तो सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसे कहते हैं असल मोहब्बत। मुझे तुमसे पूछना था कि तुम मुझे अच्छे तो नहीं लग सकते ना?
तुमसे मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है ना, है ना? ये तुम जो इतना इतना तैयार हो के निकल रहे थे, मुझे लगा कि शायद कोई लड़की है। कोई नहीं है, बस तुम हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पा रहा, किसी और को क्या हासिल करूं? कैसी लग रही हूँ? याद है सूट तुमने दिलवाया था मुझे? तुम जिसे याद कर रहे हो ना, तो तुम उसे याद हो और ना उसे परवाह है कि उसकी गैर मौजूदगी हम सबको कितनी खटक रही है। तुम्हें उसकी गैर मौजूदगी क्यों खटक रही है? क्योंकि तुम यहां होते हुए भी यहां नहीं हूं। मैं जहां हूं मुझे वहीं रहने दो। मरियम को देखा था तुमने? उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी मुर्तसिम। हालांकि नौरेज उसे कितनी खुशी से चाहत से अपना रहा है, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं थी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे मीरब ने इतना भटका दिया कि उसको किसी चीज में खुशी अब नहीं नजर आती। ना उसने उसे मलिक जुबैर से मिलाया होता, ना उसे घर से भगाया होता, तो फिर ये सब ना होता। वो खुशी खुशी अपनी इस नई जिंदगी का आगाज करती। मुर्तसिम, हम सब यहां पर पछता रहे हैं कि ये क्यों हो गया, ये सब क्यों हुआ, सिवाय मीरब के जिसे पछताना चाहिए, लेकिन वो तो खुश है अपनी आजादी से। तुम उसे यहां याद कर रहे हो। तुमने पूछा था ना कि तुम मुझे कैसी लग रही हो? हाँ, जहर लग रही हो।